इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस। देखो स्पेस में किसी लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें या तो ये पता होना चाहिए कि वो किस पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट पता होना चाहिए कि वो सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है, एंड उसका डायरेक्शन क्या है, लाइन का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में लाइन जा रही है। तो हम लाइन को यूनिकली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइंड कर सकते हैं। या फिर हमें ये पता होना चाहिए कि वो किन दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो हम उसको यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन। आपको एक पॉइंट दिया हुआ हो कि वो इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये पता होना चाहिए, तो हम लाइन को यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हमें वो दो पॉइंट पता होना चाहिए, इट पासेस थ्रू अ गिवन टू पॉइंट, हमें वो दो पॉइंट पता होना चाहिए जो उन दो पॉइंट से कैसा हो रहा है, पास हो रहा है। अब नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन एंड हैविंग डायरेक्शन रेशो ए बी सी। तो ये लाइन का इक्वेशन ये होगा अपना, उस लाइन का इक्वेशन जो एक्स वन वाई वन और जेड वन से पास हो रही है और जिसका डायरेक्शन रेशो क्या है, ए बी सी है। तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये होगा। ओके ये होगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। लाइन कैसी है, एक्स वन वाई वन जेड वन एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही है और उसके डायरेक्शन रेशो क्या हैं, ए बी और सी हैं। डायरेक्शन रेशो क्या हैं उसके, ए बी सी हैं। ओके तो लाइन का इक्वेशन होगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, क्या होगा लाइन का इक्वेशन होगा। अब देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो पॉइंट से पास होने वाली, वो पॉइंट कौन से हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू हैं। तो लाइन का इक्वेशन होगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ये क्या होगा उस लाइन का इक्वेशन होगा जो दिए हुए दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। ओके तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। देखो जब कोई दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ए की जगह क्या आ गया, एक्स टू माइनस एक्स वन आ गया, बी की जगह क्या आ गया, वाई टू माइनस वाई वन आ गया, और सी की जगह क्या आ गया, जेड टू माइनस जेड वन आ गया। क्योंकि जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही हो, दो पॉइंट हमें उसके दिए हुए हैं उस लाइन के, तो हम डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, तो ये दोनों सेम थिंग है। ओके अंडरस्टूड, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। लाइन के डायरेक्शन रेशो ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू दिए हुए हैं। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या हैं, ए वन बी वन सी वन है, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या हैं, ए टू बी टू सी टू हैं। तो लाइन का जो इक्वेशन होता है वो कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर होता है। ए वन बी वन सी वन क्या है, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं, एंड ए टू बी टू सी टू क्या है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं। तो जो लाइन का इक्वेशन होगा वह ए वन ए टू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो यहाँ पर एक्स वाई और जेड के कोफिशियंट कैसे होना चाहिए, वन होना चाहिए। यदि वन नहीं है तो हम उन्हें वन में कन्वर्ट कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म जो लाइन का होता है
उसमें एक्स वाई और जेड के कोफिशियंट कैसे होते हैं, वन होते हैं। ओके अंडरस्टूड। अब इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, मान लो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा और कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, कॉस 90 डिग्री कितनी होता है, जीरो होता है, जीरो हो जाएगा। कोई फ्रैक्शन जीरो है तो उसका न्यूमरेटर मस्ट भी जीरो होगा, इफ एनी फ्रैक्शन इज जीरो देन न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन मस्ट भी जीरो। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो, दिस इज द कंडीशन दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। यदि दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो इसकी कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। ओके अंडरस्टूड। एंड इफ लाइन्स आर पैरेलल, यदि लाइन्स पैरेलल हैं दैट इज थीटा इक्वल टू जीरो, या थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2। जब दो लाइंस कैसी हों, पैरेलल हों, तो उसकी ये कंडीशन होती है। यहाँ पर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इज द डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन, लाइन के डायरेक्शन रेशो दिए हुए हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, इफ लाइंस आर इन वेक्टर फॉर्म, यदि लाइंस वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हों तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे लाइन का। ओके सपोज करो एक लाइन आपकी दी है आर इक्वल टू a1 plus λb1, सब पर वेक्टर लगा हुआ है। दूसरी लाइन दी हुई है वेक्टर आर इक्वल टू a2 का वेक्टर प्लस μb2। तो देखो आपको पता है जो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 है वो डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है डायरेक्शन। तो cos थीटा इक्वल टू b1 dot b2 अपॉन b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस, और टोटल में हम मॉडुलस लगा लेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। हम जो एंगल फाइंड आउट करते हैं वो है एक्यूट एंगल को फाइंड आउट करते हैं। ओके तो टोटल इसमें टोटल में मॉडुलस लगा लेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। ओके कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उसे क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे मॉडुलस लगा के, जिससे हमें एंगल किस में मिले, एक्यूट में मिले। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी b1 dot b2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। b1 dot b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस आर गिवन, सपोज करो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस l1 m1 n1 एंड l2 m2 n2 हैं, देन एंगल बिटवीन द लाइंस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, l1 into l2 प्लस m1 into m2 प्लस n1 into n2 होगा। ओके क्यों होगा, क्योंकि लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो l1² + m1² + n1² इक्वल टू 1 होगा एंड l2² + m2² + n2² भी क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि वो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो यदि डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं तो cos थीटा इक्वल टू होता है l1 l2 + m1 m2 + n1 n2, ए cos थीटा होता है। वो वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं तो आपको पता ही है cos थीटा इक्वल टू b1 dot b2 upon b1 का मॉडुलस इंटू b2 का मॉडुलस होता है, क्योंकि b1 और b2 क्या है, ए वाली जो लाइन है वो b1 के पैरेलल जा रही है और ए वाली जो लाइन है वो b2 के पैरेलल जा रही है। तो डायरेक्शन हमें इससे पता चल रहा है लाइन का, तो b1 और b2 का यूज करेंगे हम cos थीटा को फाइंड आउट करने में। ओके अंडरस्टूड। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, पोजिशन वैक्टर ए है एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी, यहाँ लाइन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में किसी भी लाइन का 3D में। तो पोजीशन वेक्टर ए से वो लाइन पास हो रही है, पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ए है, और वह लाइन वेक्टर बी के कैसा है, पैरेलल है, लाइन वेक्टर बी के पैरेलल है। तो जो लाइन का इक्वेशन होता है
वो आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होता है। लाइन का इक्वेशन कितना होता है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होता है। यहाँ पर ए क्या है, ए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट से लाइन कैसी हो रही है, पास हो रही है, और बी पोजीशन बी कैसा है, जो लाइन है वो वेक्टर बी के क्या है, पैदल है, लाइन वेक्टर बी के पैदल है। तो लाइन का इक्वेशन होगा आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अब हम वेक्टर फॉर्म से कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे कार्टेशियन फॉर्म में, तो r इक्वल टू क्या सपोज करेंगे हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के सपोज करेंगे। यहाँ पर a क्या है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप है। मीनिंग ये है कि जो लाइन है वो जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, दिस वन है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप है, और लाइन वेक्टर b के क्या है, पैदल है। ओके, अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू ए, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा बी, बी क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा। ओके, अब हम इनको इसको इस तरफ लेके आए तो देखो, x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा। ओके, अब यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो देखो, आई इसका कंपेरिजन करेंगे तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए लैम्डा हो जाएगा, x माइनस एक्स वन इक्वल टू ए लैम्डा होगा, y माइनस y1 इक्वल टू क्या होगा, b लैम्डा होगा, और z माइनस z1 इक्वल टू c लैम्डा होगा। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा x माइनस एक्स वन अपॉन a इक्वल टू लैम्डा मिलेगा, इससे y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू लैम्डा मिलेगा, इससे z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा मिलेगा। ये तीनों वैल्यू किसके इक्वल हैं, लैम्डा के इक्वल हैं, तीनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से उसे क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, ये उस लाइन का इक्वेशन है जो लाइन x1, y1 और z1 से पास हो रही है और जिसके डायरेक्शन रेशो क्या है, a, b, c, जिसके डायरेक्शन रेशो है। तो कार्टेशियन फॉर्म है लाइन का और ये वेक्टर फॉर्म है, r इक्वल टू वेक्टर, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। वेक्टर a क्या है, पोजीशन वेक्टर है जिससे वह लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे उन दो पॉइंट के पोजीशन क्या है, पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है। तो जो लाइन का इक्वेशन होगा वो आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए होगा। और लैम्डा किससे बिलोंग कर रहा है, किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है लैम्डा। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, हमें उन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो जो उन पॉइंट के सपोज करो पोजीशन वेक्टर एक का ए है दूसरे का बी है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस लैम्डा विद इन ब्रैकेट बी माइनस ए, और लैम्डा बिलोंग टू क्या होगा, आर होगा। अब डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म, हमें वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर मतलब वेक्टर फॉर्म से किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो r को सपोज कर लिया गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो ये हो जाएगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और b दूसरा पोजीशन वेक्टर है
दूसरा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड थ्री के कैप है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आर की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब ए एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड थ्री के कैप होगा माइनस एक्स वन आई कैप माइनस एक्स वन आई कैप के बाद क्या होगा अपना वाई वन जे कैप होगा माइनस जेड वन के कैप होगा। ओके, इसमें हमने वैल्यू पुट कर ली। अब देखें दिस इज, इसको हम स्टब लेके आए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस बाय माइनस बाय वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप हो गया। इस वाले पॉइंट को हम इस तरफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, दिस इज लैम्डा, इसको हम ऐसा लिख लें लैम्डा आई कैप एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस लैम्डा जे कैप बाय टू माइनस बाय वन प्लस लैम्डा के कैप जेड टू माइनस जेड वन, ऐसा लिख लिया गया। अब देखो इसका हम कंपैरिजन करते हैं, इसको इसके इक्वल करते हैं तो एक्स माइनस एक्स वन आई कैप इक्वल टू क्या होगा लैम्डा आई कैप एक्स टू माइनस एक्स वन, आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया और लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये लैम्डा हो गया। ओके, सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू बाय माइनस बाय वन अपॉन एक्स बाय टू माइनस बाय वन होगा, बाय टू माइनस बाय वन एंड लैम्डा इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन होगा। हम आई कैप वाले को आई कैप वालों का कंपेरिजन करेंगे तो हमें लैम्डा इक्वल टू बाय माइनस बाय वन अपॉन बाय टू माइनस बाय वन मिलेगा और के वालों के कैप का कंपेरिजन करेंगे दोनों कोफिशेंट को इक्वल करेंगे तो हमें लैम्डा इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन मिलेगा। तो ये बन जाएगा अपना कार्टेशियन फॉर्म में एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू बाय माइनस बाय वन अपॉन बाय टू माइनस बाय वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ये किस में बन गया कार्टेशियन फॉर्म में टू पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन बन जाएगा, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। जो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, ए पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स वन वाई वन जेड वन और बी पॉइंट होगा एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, ये बी पॉइंट हो जाएगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म का क्या हो गया, ओके कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है लाइन का सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू टू जेड माइनस टू, फाइंड द डायरेक्शन रेशो। यहाँ पर जो लाइन है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लाइन कैसी है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर x का कोफिशियंट 6 है, y का कोफिशियंट 3 है और z का कोफिशियंट 2 है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 6 कॉमन निकालेंगे तो दिस इज x माइनस टू अपॉन 6, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो y प्लस वन बाई थ्री, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो z माइनस वन, दिस इज x माइनस वन बाई थ्री अपॉन वन बाई सिक्स, ये 2 बाई सिक्स को हम 1 बाई थ्री या 1 बाई सिक्स लिख सकते हैं इसको, दिस इज y प्लस वन बाई थ्री अपॉन वन बाई थ्री, दिस इज z माइनस वन अपॉन वन बाई टू। सो डायरेक्शन रेशो इज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशो होंगे इसके वन बाई सिक्स वन बाई थ्री वन बाई टू, टू थ्री सिक्स का एलसीएम क्या होता है सिक्स होता है, इसे हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वन इज टू और थ्री, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये भी अपना आंसर हो सकता है, ये उसके क्या हैं डायरेक्शन रेशो हैं लाइन के। फाइंड द इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट वन टू थ्री एंड पैरेलल टू द लाइन दिस वन लाइन
सीबीएसई 2004 में पूछा गया था। ओके, अब देखो यहाँ पर जो लाइन है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर x का कोफिशियंट -1 है और z का कोफिशियंट 2 है। तो हम सबसे पहले इस लाइन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, आंसर देखो सबसे पहले, अच्छा हम इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 1, 2, 3, उस लाइन का इक्वेशन जो 1, 2, 3 से पास हो रहा है, क्या होगा उस लाइन का इक्वेशन, x-1/a इक्वल टू y-2/b इक्वल टू z-3/c होगा। ओके, इसको इक्वेशन बन ले लें हम, उस लाइन का इक्वेशन जो इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। ओके, अब नाउ हम इसको, इस लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, गिवन लाइन को जो लाइन हमें दी हुई है, इसमें से हम -1 कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, x+2/1 होगा, ये y+3/7 है और इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो z-3/3 होगा। ओके, तो हम इस लाइन को ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज x+2/-1 इक्वल टू y+3/7 इक्वल टू z-3/3y2, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो देखो लाइन वन, इसको लाइन टू ले ले, अब हम लाइन वन एंड लाइन टू आर पैरेलल, लाइन वन और लाइन टू कैसी हैं, पैरेलल हैं, दिस वाली लाइन और दिस वाली लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी -1, बी की वैल्यू क्या होगी 7 होगी और सी की वैल्यू क्या होगी 3/2 हो जाएगी। ए की वैल्यू 1 होगी, -1 होगी, बी की वैल्यू 7 होगी और सी की वैल्यू 3/2 होगी। अब पुट दीज वैल्यू इज इन इक्वेशन 1, सो बी गेट अपर रिक्वायर्ड आंसर। तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर होगा x-1/-1 इक्वल टू y-2/7 इक्वल टू z-3/3/2, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा जो दी हुई लाइन के पैरेलल है और दिए हुए पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। ओके, अंडरस्टूड। तो हमें ध्यान रखना है कि लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करके रखना है। ओके, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, इक्वेशन से दिया हुआ है x-2/2 इक्वल टू 2y-5/3 कॉमा z=-1 दिया हुआ है। देखो z=-1 कब होगा, जब z+1/0 हो, इस तरह से हो z+1/0। अब 0 दूसरी तरफ जाएगा तो वो बाकी को 0 करेगा और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसका पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज x-2/2, यहाँ पर हम लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, इसमें से हम 2 कॉमन निकालें तो y-5/2/3 इक्वल टू, हम इसे ऐसा लिखेंगे z+1/0। अब अपॉन में 0 आया, अब मान लो इन दोनों को हम इक्वल करते हैं, इन दोनों को तो क्रॉस मल्टीपल, इसको इस तरफ लाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो z+1 क्या होगा, 0 होगा, तो z की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। अब हम z+1/0 को सपोज करो इसके इक्वल करते हैं तो 0 का इससे इनटू होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और z+1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं हम, तो दिस इज x-2/2 इक्वल टू y-5/2/3/2 इक्वल टू z+1/0। अब डायरेक्शन रेशो मिल गए हैं हम इसके, 2 होगा, 3/2 होगा और 0 होगा। डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन क्या होंगे, 2, 3/2, 0। अब डायरेक्शन को साइंस निकाल लो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन क्या होगा, 2/2 स्क्वायर
प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज 4 प्लस 9/4, एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9/4, दिस इज 25/4 इक्वल टू 5/2। तो आगे क्या हो जाएगा, 3/2/5/2 एट 0/5/2। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5/2 कॉमा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/5 ये 0, तो ये अपना हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा 4/5 कॉमा 3/5 कॉमा 0, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे, कोसाइंस हो जाएंगे आपके, किसके, इस वाली लाइन के। ओके अंडरस्टूड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P1, 2, 3 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन 2/3 माइनस 2/3 1/3। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम P। हमें उस लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जो एक दिए हुए पॉइंट 1, 2, 3 से पास हो रही है और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, हमें क्या दिए हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं 2/3 माइनस 2/3 एंड 1/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन 2/3 माइनस 2/3 1/3 एक्स माइनस 1/2/3 इक्वल टू बाई माइनस 2/-2/3 इक्वल टू जेड माइनस 3/1/3 ये दिया हुआ है। अच्छा फिर उसने बोला है कि एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट, इस लाइन पर हमें ऐसे पॉइंट पता करना है जो 6 यूनिट पे हो, उस लाइन ओके कहाँ पर हो, 6 यूनिट पे हो। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम पी, इस पी वाले पॉइंट से कैसे हो, 6 यूनिट पे हो। तो हम क्या करेंगे, 6 यूनिट का है इसको प्लस माइनस 6 ले लेंगे, ऐसे दो पॉइंट्स मिलेंगे हमें जो इस वाले पॉइंट से और इस लाइन पर 6 यूनिट पे होंगे। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस 6 लिया है, प्लस साइन लेंगे तो हमें पहला पॉइंट मिलेगा और माइनस साइन लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एक्स माइनस 1/2/3 को इस प्लस माइनस 6 के इक्वल करेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6 इंटू 2/3 प्लस 1। इतने सारे पोर्शन को हम प्लस माइनस 6 के इक्वल करेंगे तो हमें बाई की वैल्यू मिलेगी, बाई इक्वल टू प्लस माइनस 6 इंटू माइनस 2/3 प्लस 2। सिमिलरली जेड इक्वल टू प्लस माइनस 6 इंटू 1/3 प्लस 3। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ओके टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को लेते हैं हम। देखो तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 6 इंटू 2/3 प्लस 1 होगा। अब माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ओके फिर y की वैल्यू लें हम तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 6 इंटू माइनस 2/3 प्लस 2 डिवाइड करेंगे, माइनस 2 आएगा प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हम z की वैल्यू ले लें तो z की वैल्यू क्या होगी, ए डिवाइड करेंगे इसे हम 3 से तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2 प्लस 1 तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा, जो आंसर होगा फाइनल वो होगा 5-2/5 और दूसरा होगा आपका -3, 6 और 1, ये क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में यदि यहाँ पर डायरेक्शन रेशो दिए होते, क्या दिए होते, डायरेक्शन रेशो, और हमें ये पूछा जाता कि फाइंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ कुछ भी, 5 भी दे सकता था, 6 और 7, तो लाइन के इक्वेशन में हमें यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन ही लिखने पड़ते। जब हम डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे तब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें करेक्ट कोऑर्डिनेट मिलेंगे, यदि ये डायरेक्शन रेशो होते तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या, करेक्ट नहीं मिलते। ओके तो ध्यान रखना जब
दिए हुए पॉइंट से ऐसे पॉइंट को पूछा जाए कि वो उससे एक फिक्स यूनिट डिस्टेंस पर हैं, तब आपको यहाँ पर क्या लेना है, डायरेक्शन को साइंस ही लेना है, डायरेक्शन रेशो नहीं चलेंगे। फिर डायरेक्शन रेशो दिए हुए हैं तो आप उन्हें कन्वर्ट करेंगे। ओके अंडरस्टूड। फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमें कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना है लाइन का और वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है जो 1, 2, 3 से पास हो रही है और इस लाइन की कैसी है, पैरेलल है। ओके तो सबसे पहले हम कार्टेशियन फॉर्म को फाइंड आउट करते हैं। ओके इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग 1, 2, 3, उस लाइन का इक्वेशन जो 1, 2, 3 से पास हो रहा हो क्या होगा, दिस इज एक्स माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन सी होगा। अब दिस वन लाइन, इसको वन ले लें, दिस लाइन इज लाइन 1 इज पैरेलल टू, इस लाइन के पैरेलल है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये लाइन अभी, इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे इसमें से माइनस 1, दिस इज एक्स प्लस 2 अपॉन 1 होगा, ए बाय प्लस 3 अपॉन 7 होगा, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो जेड माइनस 3 अपॉन 3 होगा, दिस इज एक्स प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू बाय प्लस 3 अपॉन 7 इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 3/2 होगा। ओके अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, माइनस 1, 7 और 3/2। लाइन 1 इस लाइन के पैरेलल है तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 होगा, बी इक्वल टू 7 होगा और सी इक्वल टू क्या होगा, 3/2 होगा। पुट दीज वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन 1 सो वी गेट द कार्टेशियन फॉर्म, हमें क्या मिल जाएगा, उसका कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा। सो अपना कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म होगा एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू बाय माइनस 2 अपॉन 7 इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 3/2। ये क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म होगा लाइन का। एक कार्टेशियन फॉर्म आ गया, अब हमें वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर फॉर्म को हम फाइंड आउट करते हैं। देखो लाइन की हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, तो इस 1, 2, 3 से लाइन पास हो रही है तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप होगा, ए वेक्टर ए होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप वेक्टर होगा ए, और वेक्टर बी लाइन किसके पैरेलल है, डायरेक्शन रेशो क्या है उस लाइन के, माइनस 1, 7 और 3/2 है, तो जी लाइन जो पैरेलल होगी वो माइनस आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 3/2k कैप, इसके लाइन पैरेलल होगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस लैम्डा बी होता है, क्या होता है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होता है। अब इसमें हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें वेक्टर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। यदि हम इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, दिस इज आर इक्वल टू होगा आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, दिस इज माइनस आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 3/2k कैप। तो ये अपना वेक्टर फॉर्म का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ओके इस लाइन को देखो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशो है, हमें डायरेक्शन रेशो क्या मिला, माइनस 1, 7, 3/2। हमें पता है डायरेक्शन रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन रेशो चेंज नहीं होते हैं, वही रहते हैं, ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे पर हम। ओके तो इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे,
डायरेक्शन रेशो आपके हो जाएंगे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, बी इक्वल टू 14 हो जाएगा और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अपना जो बी वेक्टर है वो इस तरह से बन जाएगा वेक्टर बी, कैसे बनेगा माइनस टू आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इस बी वेक्टर की जगह हम इस वैल्यू को भी लिख सकते हैं, तो आपका एक आंसर यह भी हो सकता है, क्या हो सकता है आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा माइनस 2i कैप प्लस 14j कैप प्लस 3k कैप। एक आंसर आपका ये भी हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है हमें, क्या बता रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन रेशो में हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका ए भी आंसर हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है। ओके अंडरस्टूड। और भी हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया आंसर भी आपको मिल सकता है। ओके अंडरस्टूड। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सच दैट द पॉइंट्स दी, ये तीनों पॉइंट्स कैसे हों कॉलिनियर हों। उसने पूछा है कि पी और क्यू की वैल्यू निकालो इफ़ दीज थ्री पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब है कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं लाई कर रहे हैं। तो हम इन लास्ट के दो पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, और फिर उस लाइन में इस पॉइंट को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक ना, तो हम इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग दिस एंड दिस। ओके सो फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये अपना क्या होगा एक्स वन होगा, ये वाई वन होगा, ये जेड वन होगा, एक्स टू वाई टू जेड टू होगा। ओके तो लाइन का इक्वेशन आ गया एक्स प्लस वन अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस फोर अपॉन माइनस टू इक्वल टू जेड प्लस टू अपॉन वन। अब दिस पॉइंट पी क्यू वन लाई ऑन लाइन वन, किस पे लाई करेगा लाइन वन पे लाई करेगा पी क्यू और वन, तो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो पी प्लस वन अपॉन वन इक्वल टू क्यू माइनस फोर अपॉन माइनस टू इक्वल टू वन प्लस टू अपॉन वन हो जाएगा। अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, इसको इसको इक्वल करेंगे। ओके तो जब इक्वल करेंगे हम तो देखो p प्लस वन इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। एंड q माइनस फोर अपॉन माइनस टू, q माइनस फोर अपॉन माइनस टू किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा इधर, तो q माइनस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस टू, क्यू माइनस फोर इक्वल टू माइनस सिक्स, क्यू इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस फोर, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, q इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। तो जो अपना आंसर होगा दैट इज p इक्वल टू टू और q इक्वल टू माइनस टू होगा। पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, कॉलिनियर का मीनिंग होता है कि वो पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हमने लास्ट के दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाला, और ये पहला वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ओके अंडरस्टूड। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन थ्रू वन माइनस वन फाइव एंड पैरेलल टू द लाइन एक्स माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू वाई माइनस फाइव अपॉन माइनस टू कॉमा जेड इक्वल टू माइनस वन। ओके सो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग वन माइनस वन फाइव एच क्या होगा एक्स माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपॉन सी, दिस इज इक्वेशन वन। अब लाइन वन, लाइन वन इज पैरेलल टू एक्स माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू वाई माइनस फाइव अपॉन माइनस टू, और जेड इक्वल टू माइनस वन लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन
जीरो, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, इस वाली लाइन को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वल, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो दोनों के डायरेक्शन रेशो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो ए इक्वल टू थ्री हो जाएगा, बी इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा और सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इसमें वन में पुट कर देंगे तो अपना जो फाइनल आंसर होगा, दिस इज एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन माइनस टू इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपॉन जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जेड माइनस फाइव अपॉन जीरो, ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, हमें उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड आउट करना है जो इस लाइन के पैरेलल है। लाइन को देखने से पता चल रहा है कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर x का कोफिशियंट 2 है, z का कोफिशियंट माइनस 1 है। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसमें x के कोफिशियंट को 1 करेंगे हम, तो 2 कॉमन लें, x माइनस 5 बाय 2 अपॉन 4 इक्वल टू बाय प्लस 4 अपॉन 3, इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दिस इज x माइनस 5 बाई 2 अपॉन 2 हो जाएगा, दिस इज y प्लस 4 अपॉन 3 एंड दिस इज z माइनस 6 अपॉन माइनस 6। तो डायरेक्शन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, हमें जो लाइन चाहिए है उसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, उसके डायरेक्शन रेशो होंगे 2, 3, -6। हम डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट कर लें, क्या फाइंड आउट कर लें, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, 2 अपॉन रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। हम इसको सिंपलीफाई कर लें, इसकी वैल्यू जो आएगी ये 36 होगा, ये 4 तो 49 हो जाएगी ये वैल्यू। इसको हम क्या लिख लें, 3 अपॉन 7 दिस इज माइनस 6 अपॉन 7। तो अपना जो आंसर होगा, अपना जो आंसर होगा वो होगा 2 अपॉन 7 3 अपॉन 7 एंड माइनस 6 अपॉन 7 क्या होगा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।